भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्वेन के खिलाफ सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया है। पार्क पर अपने पद का दुरुपयोग कर देश के कई कंपनियों से धन उगाही में अपने दोस्त चोई सून सिल की मदद करने का आरोप है, जिसे लेकर जनता ग्वेन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थी। वहीं इस प्रस्ताव के पारित हो जाने से माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति का कार्यकाल अब जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। संसद में मतदान के बाद संसदीय अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन ब्लू हाउस को औपचारिक दस्तावेज सौंप दिए। वहीं अब सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले प्रधानमंत्री वांग क्यो ऑन को सत्ता की कमान सौंपने की बात रखी गई है, जबकि पार्क पर अंतिम फैसला वहां की संवैधानिक अदालत करेगी कि पार्क को स्थायी तौर पर पद से हटाना होगा या नहीं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अदालत को इस बारे में फैसला करने में 6 महीने का समय लगेगा और अगर संवैधानिक अदालत के 9 सदस्यों उनमें से कम 6 न्यायाधीश महाभियोग का समर्थन कर देते हैं तो पार्क को औपचारिक रूप से पद से हटना पड़ेगा और देश में 60 दिनों के भीतर फिर से राष्ट्रपति चुनाव होगा। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी पार्क पहले ही माफी मांग चुकी है। हालांकि दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति के भविष्य का फैसला अब संवैधानिक अदालत के हाथ में है। देखते रहिए टीवी लाइव।